हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल सिम्मदा किचन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल रसपुआ की रेसिपी, वो भी बिल्कुल क्रिस्पी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम 2 कप मैदा लेंगे। और अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच सौंफ, चॉप किए हुए किशमिश नारियल और साथ ही हम इसमें 3 कप फुल क्रीम मिल्क डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और गाढ़ा घोल बना लेंगे। और इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। और ये आप देख सकते हो हमारा रसपुआ का घोल बिल्कुल तैयार है। अब इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकती है, ये बिल्कुल गाढ़ा घोल है। और अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रेस्ट पे रख देंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो एक बार हम फिर से अपने रसपुआ के घोल को फेंट लेंगे। अब चलिए हम पुआ के लिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक बर्तन में 1 कप पानी और 1 कप चीनी लिया है और अब इसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे चाशनी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें इलायची और फूड कलर मिक्स करेंगे और जब तक कि ये चिपचिपा ना हो जाए तब तक इसे बॉयल करेंगे। हमारा चाशनी रेडी हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हम रसपुआ को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो अब हम कलछी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके बैटर तेल में डालेंगे और पुआ को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें पुआ को फ्राई करते टाइम अपना फ्लेम मीडियम पे रखना है। इसे फ्राई करते करते इसे क्रिस्पी बना देंगे, मगर ध्यान दें कि हमारा जो आंच है बिल्कुल मीडियम रहना चाहिए, वरना ये जल सकता है। तो हमारा पुआ जो है वो रेडी हो चुका है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अपने रस पुआ को हमने जो चाशनी बनाया था उसमें डिप करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अंदर छोड़ देंगे। और ये हमारा पुआ बनकर रेडी है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो पुआ का बैटर है उसे हम पुआ को फ्राई कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारा रसपुआ बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, तो इस होली आप भी अपने घर पे इस रसपुए को इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। ये खाने में बिल्कुल जलेबी की तरह क्रिस्पी लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।